उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र पुलभट्टा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। हल्द्वानी में कमाऊ ज्वेलर्स के स्वामी के पुत्र पर फायरिंग की घटना के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलभट्टा थाना अंतर्गत बरा ग्राम में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गन्ने के खेत से दबोच लिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद अन्य बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को सितारगंज में प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान बाजपुर क्षेत्र निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। कुलबट्टा के भरा क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध बदमाशों के, इन बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया, तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, बॉर्डर सील किए गए? हाँ, सभी प्रकार से चेकिंग कराई जा रही है कि बॉर्डर से भी एग्जिट कर सकते हैं और बाकी जो जो इनके भागने के रास्ते होते हैं, संदिग्ध रास्ते, उन सभी को चेकिंग कर रहे हैं। जो बदमाश घायल हुआ सर, इसके बारे में कुछ पता लगा? ये हल्द्वानी वाला जो कांड है उसको लेके कुछ पता? अभी इसमें सभी एंगल्स पे इसमें डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही हम लोगों के पास डिटेल्स आते हैं हम लोग फिर शेयर करेंगे। कोई असला भी बरामद हुआ? जो फिलहाल डिटेल्स हम लोग कर रहे हैं और इन्होंने फायर किया था और जो असला बरामद हुआ है बाकी सारी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।